हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस तरीके के जो है वो बिहेव कर सकता है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे मैसेज जो होने वाले हैं, तो कैसे जो आपको देखने को मिल सकता है इसके बारे में डिटेल जो है वो चर्चा करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। तो ग्राउंड जो है काफ़ी पुराना देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे कैपेसिटी आप देखोगे तो 33,000 के आसपास है। तो उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है जितना बाकी ग्राउंड पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा जो है कैपेसिटी है। इसके अलावा लोकेशन की बात करते हैं तो मुंबई इंडिया में देखने को मिलता है, और अगर होम ग्राउंड बात करते हैं तो ये जो आपको मुंबई की जो डोमेस्टिक टीम है रणजी की उसकी देखने को मिलती है, साथ में मुंबई इंडियंस का जो है ये होम ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल जो है चर्चा करते हैं कि कैसा बिहेव कर सकता है, लेकिन उससे पहले अभी तक जो है हमारी कम्युनिटी से आप नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और यहाँ पे जो है हमारी कम्युनिटी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसा जो है बिहेव करने वाला है। तो ग्राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड में जो है बहुत सारे फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं जो कि इसको एज ए बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड जो है बनाने की कोशिश करते हैं, और ये जो है एक बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड जो है वो बन जाता है। कैसे? तो यहाँ पे जो है देखो, सबसे पहले एक तो है ओशियनिक कंडीशन आपको देखने को मिलता है। ओशियनिक कंडीशन यानी कि इन द सेंस आप देखोगे तो यहाँ पे जो है पूरे साल भर देखोगे तो वेदर जो है वो एक जैसे रहता है, बदलता नहीं है, जिसके चलते जो है ना ही जो पीच है उसमें कभी नमी ज़्यादा आता है, ना ही जो है कभी सूखा ज़्यादा पड़ता है, जिससे पीछे जो है एक जैसे रहते हैं हमेशा। इसके अलावा जो है पीछे जो है वो काफ़ी फ्लैट पीचेज है, बाउंड एरिया जो है वो काफ़ी स्मॉल है, और यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है पीछे चेंज नहीं होता, जिसके चलते जो है ये जो बाउंस जो है वो परफेक्टली आता है, और ये जो है बिल्कुल एक जब बैट्समैन के लिए जो है वो एक अच्छा फेवरेबल ग्राउंड होता है, जिससे जो है ये बैटिंग ग्राउंड जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से बनाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट जो है यहाँ पर ग्राउंड है। अब इंटरनेशनल मैच में देखोगे तो यहाँ पर 2 रन बनना जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है, और ये भी आप एवरेज स्कोर भी देखोगे फर्स्ट इनिंग में तो 190 के आसपास जो है आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि किसी ग्राउंड पे 190 जो है वो एवरेज स्कोर है। इसका मतलब 2 रन जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे बन जाता होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अगर आईपीएल के कुछ मैचेस की हम लोग बात करते हैं तो रिसेंट में जो यहाँ पे मैचेस हुआ था उनमें से हमने देखा कि कुछ हाई स्कोरिंग मैचेज हुए थे, कुछ लो स्कोरिंग जो है मैचेज हुए थे, और रिसेंट में जो यहाँ पे मैचेज हुआ था उसमें ज़्यादातर देखने को मिला था कि 180-190 के आसपास जो रन बन रहे थे। उसके पहले भी जो आप देखोगे तो 170 के आसपास रन बन रहे थे, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है रन नहीं बन रहा था क्योंकि ग्राउंड जो है थोड़ा सा टूटा हुआ जो है वो आपको देखने को मिल रहा था, पीछे जो है ना ज़्यादा क्रैक जो है देखने को मिले थे। अगर यहाँ पे जो है वो दिन का जो है वो मैसेज होगा तो आप देखोगे थोड़ा सा ड्राई कंडीशन जरूर रहेगा, जिसमें जो है वो आपको फास्ट बॉलर का जो है क्रूशियल रोल हो सकता है, और अगर नाइट के मैसेज होगा तो वहाँ पे सेकेंड हाफ पे जो है वो ड्यू बहुत जल्दी आ जाता है, जिससे आपको जो है बैट्समैन के फेवरेबल में जो है काफ़ी अच्छा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं बैट्समैन जो आपको कौन सा जो है लेना है, तो जो भी अच्छे फॉर्म में है टिपली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे चेन्नई के मैसेज है तो देखोगे तो ऋतुराज रिकॉर्ड का जो है फॉर्म यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई देता है, जडेजा का फॉर्म बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो ऐसे में बैट्समैन को जो है आप पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉलर की बात करते हैं तो बॉलर में जो है वो टेक्निकली बहुत ही अच्छा बॉलर है जो ही जो है यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा, और स्पिनर की बात करते हैं तो स्पिनर में जो थोड़े से फिरकी गेंदबाज होते हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी जो है मुंबई में ऐसे मैसेज होगा तो कुछ ऐसा ग्राउंड जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं आईपीएल के कुछ स्टेट्स का, तो आप देखोगे 104 मैचेज में जो है आपको 48 मैचेज जो है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट बैट जीता है, और 56 मैचेज जो है सेकेंड बैट जीता है। इसके अलावा जो फर्स्ट बैट का एवरेज है वो आपको 170 जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा जो है एवरेज है यहाँ पे, और ये जो है इसे बैटिंग फ्रेंडली जो है वो बनाता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर का, तो बेंगलोर जो है वो 235 बनाया है, लोवेस्ट जो है आपको 67 देखने को मिलेगा जो कि कोलकाता जो है बनाया है। और अगर हम लोग स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि 150 से नीचे जो है वो 26 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में देखोगे तो 25 स्कोर देखने को मिलेगा, और 170 से 90 के बीच में देखोगे तो आपको जो है वो 33 स्कोर देखने को मिलेगा, और 190 से ऊपर जो है 20 स्कोर है। तो आप उससे समझ सकते हो कि ये वाला जो एरिया है ना 170 से ऊपर, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रन बनता है 170 से ऊपर। आप देखोगे तो आधे स्कोर जो इससे नीचे हैं और आधे जो है इससे ऊपर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला स्कोरिंग एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, हाईली चांसेस कि यहाँ पे स्कोर जो है वो होगा अगर हम लोग आईपीएल की बात करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मैचेज में देखोगे तो रिसेंट में जो कुछ 8 मैचेज हुए हैं उनमें से देखोगे तो आपको 3 जो है फर्स्ट बैट दिखाई देगा और 5 जो है सेकेंड बैट दिखाई देगा, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे फर्स्ट बैट जो है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल होता है टीमों के लिए। और फर्स्ट सेकेंड बैट देखोगे सेकेंड बैट में फर्स्ट बैट के एवरेज देखोगे तो आपको जो है 191 दिखाई देगा, जो कि बहुत ही हाई और जो है वो आपको स्कोरिंग एरिया को जो है वो बताता है। हाईएस्ट देखोगे तो यहाँ पे इंडिया ने बनाया था 240 रन, और लोएस्ट देखोगे तो श्रीलंका ने बनाया था यहाँ पे 235 रन। तो ये जो है अभी का जो है वो स्टेट्स है, और अगर इनका स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 150 से नीचे जो है वो एक स्कोर है सिर्फ,
और 150 से 70 के बीच में भी देखोगे तो आपको ए का स्कोर दिखाई देगा, और 170 से ऊपर जो है आपको 2 दिखाई देगा 90 के बीच में, और 90 से ऊपर आपको 4 जो है वो स्कोरिंग एरिया दिखाई देगा। तो जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होता है तो हाईली चांसेस होता है कि ज़्यादा रन जो है यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्टेट जो है वो रिसेंट का कैसा रहा है। तो रिसेंट का आप देखोगे अगर हम IPL की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट मैच जो है 2022 में हुआ था, जिसमें देखने को मिला कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है 157 रन बना पाया और पंजाब जो है उसे 160 से जो है चेज़ कर लिया था बहुत ही आसानी से। इसके पहले देखोगे तो मुंबई और दिल्ली का देखने को मिला, जहाँ पे दिल्ली जो है वो 160 के आसपास बना पाया था और मुंबई जो उसे बहुत आसानी से चेज़ कर लिया था। तो देखो जो ये जो है ना बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं है, जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में। यहाँ पे जो है अगर कोई टीमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है तो उसके लिए जो यहाँ पे ज़्यादा रन स्कोर करना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है, जिस तरह का सीनरी अभी देखने को मिलता है। उसके पहले के कुछ मैसेज देखोगे तो आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे कि जो है गुजरात और बेंगलोर के बीच में, तो गुजरात जो है यहाँ पे 168 बना पाया था और बेंगलोर जो है बहुत ही आसानी से जो यहाँ पे चेज़ कर लिया 170 रन जो है वो बना के। इसके पहले देखोगे तो हैदराबाद जो है यहाँ पे 193 रन बना पाया था और मुंबई जो है वो 190 रन तक जो है बना पाया, 3 रन से जो है मैच डिफेंड कर लिया था यहाँ पे हैदराबाद। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मैचेज है वो देखोगे आपको जो है टोटल 7 मैचेज इस ग्राउंड पर होने वाला है, जो कि ये है शेड्यूल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आप देख सकते हो कि 2 मैचेज जो है वो दिन में होंगे जो कि कोलकाता और हैदराबाद से होंगे, बाकी जो मैचेज है वो आपको रात में देखने को मिलेंगे। और जो पहला मैच होगा वो हुआ CSK से, उसके बाद आपको KKR, फिर पंजाब, फिर जो है राजस्थान और फिर जो है RCB, फिर गुजरात और फिर हैदराबाद से जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल मैचेज है। इसके अलावा जो है अभी तक जो है आप उससे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सएप का नंबर है, साथ में जो आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, और इसके अलावा जो आप स्कॉटिंग लेवल पे जो है वो जुड़ सकते हो। तो ये जो है ये आपको डिटेल्स मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जुड़ सकते हो और यहाँ से जो है आप कम्युनिटी को जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको मिलते रहेगा। मिलते आप अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।